बदायूं पहुंचे सांसद आदित्य यादव, पीड़ित परिवार से की मुलाकात। कौशाम्बी में खाद वितरण में लापरवाही पर डीएम का प्रहार, कई सहकारी समिति के सचिवों पर गिरीगाज। मिर्जापुर में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बयान, श्यामलाल पाल ने भाजपा पर बोला हमला। बुलंदशहर में मजदूर महापंचायत में बड़ी संख्या में पहुंचे किसान, भाजपा राकेश टिकैत ने चुन चुन कर किया हमला। नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है, देख रहे हैं आप आज की खबर। कुछ वक्त पहले बदायूं के बिलसी से एक मासूम से रेप और हत्या का मामला सामने आया था। वहीं आज पीड़ित परिवार से मिलने सपा सांसद आदित्य यादव पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। सांसद के पहुंचने पर पीड़ित परिवार रोने लगा, जिसके बाद सांसद ने सरकार से मांग की है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी जिला के पदाधिकारी, पूर्व विधायक सभी लोग यहाँ थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार यहाँ पे आके हम लोगों ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। लेकिन निश्चित तौर पे जो ये घटना है, कोई भी व्यक्ति हो उसको झंझोर के रखने की घटना है, जहाँ एक 7 साल की मासूम बिटिया के साथ दुष्कर्म होता है और उसको उसी स्थिति में उसको मार के वहीं छोड़ दिया जाता है। गरीब परिवार पिछड़ा परिवार है और प्रयास हम लोगों का यही है कि न्याय जल्द से जल्द उनको मिल सके। मेरा आप सबके माध्यम से सरकार से, साथ ही साथ प्रशासन से भी मांग होगी कि जितनी जल्दी हो सके फॉरेंसिक रिपोर्ट को सामने लाया जाए। आज भी परिवार के मन में कई सारी आशंकाएं हैं, व्यक्ति एक उसके अंदर गिरफ्तार हुआ है लेकिन उसके साथ साथ और भी कई नाम आ रहे हैं। तो मेरा अनुरोध यही होगा पुलिस प्रशासन से कि परिवार के जितने भी सवाल हैं उन सवालों का उनको जवाब मिले, उनकी संतुष्टि मिल सके। कौशाम्बी के खाद वितरण में लापरवाही और अनियमितता पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई की है। जिले की साधन सहकारी समितियों में हुए इस गड़बड़ी पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए निवादा, तिलगुड़ी, बिदाव और पुरखास समितियों के सचिवों पर FIR दर्ज कराने का आदेश दिया है। साथ ही मंझनपुर समिति के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यूजुअली DAP की यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, परंतु ये हमने देखा कि कुछ कुछ सचिवों द्वारा कुछ ही किसानों को बहुत अधिक उनके खतौनी के लैंड के से अधिक उनको उर्वरक दे दिया गया है, जिस पे हम लोग ने आपत्ति जताई है। और वो अनियमितता भी हमने सचिव का ही नहीं, हमने उस संबंध एडियो कोऑपरेटिव का भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है और हमने सख्त हिदायत दी है कि जो हमारे ज़िले में जितने भी किसान हैं उनको समानता के रूप से उर्वरक मिलनी चाहिए। किसी भी जगह पर किसी भी तरह का उर्वरक का जानबूझकर कोई कमी नहीं दिखानी चाहिए और ना त्राही त्राही मचना चाहिए। अगर इस पर संज्ञान में आता है कि कोई किसान भटक रहा है और अनावश्यक रूप से उसको परेशान किया जाएगा तो समिति के साथ साथ एडियो कोऑपरेटिव के साथ साथ AR कोऑपरेटिव का भी हम लोग कार्रवाई। मिर्जापुर के मझुआ उपचुनाव को लेकर सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुप्रिया पटेल और केशव मौर्य शिंगोल को स्थापित कर राजतंत्र लाना चाहते हैं। पाल ने कहा सपा संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रही है, इंडिया अलायंस इस चुनाव में जीत हासिल करेगी। संगठन के लोगों की समीक्षा बैठक, इस समीक्षा बैठक में सभी लोगों को कार्यों की जिम्मेदारी दी गई और सभी लोग उसी हिसाब से उपचुनाव में भारत के संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र के हिसाब से ये देश चले उस बात को जनता के बीच में ले जाने के लिए हमारी कार्य योजना बनी है। मझुआ उपचुनाव पूरी तरह से इंडिया अलायंस के पक्ष में है, इसे हम निश्चित रूप से जीतेंगे। ये बड़े नेता सेंगोल स्थापित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी हों या केशव मौर्या जी हों डिप्टी CM, ये लोग सेंगोल स्थापित कर रहे हैं। सेंगोल का तात्पर्य इस देश में राजतंत्र और कुलीन तंत्र बनाना। और अन्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इस संविधान की रक्षा की मुहिम है। बुलंदशहर में शनिवार को किसान मजदूर महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। पंजाब में हो रहे प्रदर्शन और पराली जलाने पर बड़ा बयान दिया, कहा कि बिना पराली के धान उगाने की तकनीक का विकास भारत सरकार को करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि पराली के निस्तारण के लिए ठोस कदम उठाए। देखो मुद्दे जो किसान के इशू है वो बिजली के इशू है, गन्ना भुगतान के है, MSP गारंटी कानून का एक बड़ा सवाल देश में है, ये सारे इशू हैं हमारे। इन इशू के लिए हम यहाँ पर आ रहे। देखो ये टेक्नोलॉजी भारत सरकार को बतानी चाहिए कि बगैर पराली के धान कैसे पैदा होगा। भाई इस पर भी आप बैन लगा दो, धान पे भी इसका परमिट दो, बैन लगा दो धान पे।
पुराली का निस्तारण सरकार की जिम्मेदारी है, कैसे करना हो सरकार बतावे। देखो जहाँ दिक्कत होगी लोग आएंगे, सरकार बात नहीं सुनती तो सड़क का एक रास्ता बचता है, वहाँ से आवाज सरकार तक जल्दी जाती है। हमीरपुर के बसंत नगर में नवरात्रि के कन्या भोज के दौरान सिलेंडर में लगी आग से झुलसे 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, मृतकों के परिजनों को 1,00,000 और घायलों को 20,000 रुपए की सहायता राशि दी। खबर बताई उसे है जहां उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर पंचायत कार्यो में हुए घोटालों की जांच करने पहुंची पुलिस टीम की मौजूदगी में जमकर मारपीट हुई, लात घूंसे चले। आलम यह हो गया कि जांच अधिकारी एसटीएम न्यायिक दातागंज विजय मिश्रा को फोन करके पुलिस बुलानी पड़ गई। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने सभासद की तहरीर पर चेयरमैन के और साथ ही नामजद करते हुए 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कौशाम्बी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अफसर मदरसों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कौशाम्बी जिले में मदरसों की जांच की गई, जिसमें 4 मदरसे अवैध तरीके से संचालित किए जाने का खुलासा हुआ है। यहां तक कि मदरसे पर तो विदेशी फंडिंग मिलने तक के आरोप लगे हैं। ऐसे में कौशाम्बी कलेक्टर मधुसूदन हुलगी ने एक मदरसे के खिलाफ कार्रवाई की, वहीं अन्य 3 के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होने वाली है। कुल मिला के हमारे जिले में 84 मदरसा है, जिसमें 11 मदरसा है जो मान्यता प्राप्त है, एडेड है, और बाकी मान्यता प्राप्त है लेकिन अनएडेड है। उसके अतिरिक्त 4 ऐसे पाए गए हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जो अवैध के रूप में चल रहे हैं। उसके क्रम में 1 के खिलाफ अभी कार्रवाई हुई है, बाकी के 3 में भी अभी कार्रवाई संचालित है। अभी जैसे ही पूरा रिपोर्ट आ जाएगा उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। उसके क्रम में ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के उसमें कुछ ऑर्डर्स भी आए हैं, उसको भी संज्ञान में लेते हुए पूरे मदरसा जो अवैध है उसमें कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पर विदेशी फंडिंग के बदौलत वहाँ मदरसा चल रहा है, जहाँ विदेश के शिक्षक और विदेश के लोग पढ़ रहे हैं, वो पूरे ज़िले में जो ये जिहाद की घटनाएँ हो रही हैं, जो लैंड जिहाद लव जिहाद, उसमें उनका इन्वॉल्वेशन है। बांदा में प्रेम प्रसंग के शक में एक युवक के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में कुछ लोग युवक को अर्धनग्न करके बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं उसकी, वहीं इसके अलावा बांके से प्रहार किया जा रहा है। युवक के अस्पताल में दम तोड़ने के बाद युवक की पत्नी ने रुपयों के लेन देन के विवाद में हत्या की तहरीर पुलिस को दी है। जनपद बांदा थाना पैलानी क्षेत्र का एक मारपीट का वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, उसके संबंध में स्पष्ट करना है कि 16 अक्टूबर की घटना है। पैलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में जो है एक व्यक्ति जो भरुआ सुमेरपुर हमीरपुर का रहने वाला था, जहां पर उसकी पूर्व में ससुराल थी राम बालक निषाद, करीब 40 साल उम्र थी इसकी। ये आया हुआ था किसी महिला से किसी बात को लेकर के, गाँव वालों को शक हुआ और शक के आधार पर उसके साथ मारपिटाई किए और मारपिटाई में उसको चोटें आई थी। उसके परिजनों के द्वारा उसको इलाज के लिए कानपुर ले जाया गया था। अभी तक परिजनों के द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी। आज उसके परिजन यहाँ थाना पैलानी में आए हुए हैं, उनसे तहरीर प्राप्त की गई है और इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, और जो भी इसमें जो मारपीट करने वाले हैं उनकी पहचान की जा रही है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करके जो भी विधिक कार्रवाई है इसमें की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।